हाउ टू मेक कैरिक बैंड। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द जीनियस वर्कर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। रोप और प्लेलिस्ट के इस छठे एपिसोड में आज हम सीखेंगे सिंगल कैरिक बैंड और डबल कैरिक बैंड बनाना। कैरिक बैंड की खासियत यह है कि यह कितना ही ज़्यादा लोड में ताना गया हो या पानी में भीगा हुआ हो, फिर भी इसको बाद में आसानी से खोल सकते हैं। दो रस्सियों को आपस में जोड़ने के लिए कैरिक बैंड सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है। सी फेयरर्स इसका इस्तेमाल विंच के वार्पिंग ड्रम पर दो हाउजर रोप को जोड़ने में करते हैं। कैरिक बैंड को रोप के खूबसूरत सजावट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं सिंगल कैरिक बैंड। हमारे पास दो रोप है जिन्हें आपस में सिंगल कैरिक बैंड के माध्यम से जोड़ना है। पहले एक रोप में बनाएंगे बाइट, फिर दूसरे रोप को इसके नीचे से ऊपर लाएंगे और पहले वाले रोप के एंड वाले छोर से रैप करना शुरू करेंगे। दूसरे रोप के एंड पर एक टर्न लिया, फिर इसके बाइट के नीचे से ऊपर की तरफ घुसेड़ देंगे। इसकी पहचान ये है कि वर्किंग रोप जीजस फिश के रूप में दिखाई देगा और स्टैंडिंग रोप लूपनुमा दिखाई देगा। इसे खींच के फुल टाइट कर लेंगे और दोनों रोप के एंड को इसके स्टैंडिंग पार्ट से जॉइंट कर देंगे ताकि ये स्लिप ना हो। अब बनाते हैं डबल कैरिक बैंड। इसे दो तरीकों से बना सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि पहले रोप में एक क्रॉस करते हुए बाइट बनाएंगे जो जीजस फिश नुमा दिखाई देगा। फिर दूसरे रोप को इस स्टैंडिंग रोप के नीचे रख देंगे और दूसरे रोप के वर्किंग एंड को पहले वाले रोप के स्टैंडिंग पार्ट पर रैप करते हुए और इसके छोर को उठाते हुए फिर इसके अंदर से घुसेड़ के निकाल देंगे। अब पहले थोड़ा आराम से, फिर बाद में फुल टाइट कर लेंगे खींच के। अब दो मोरिंग रोप को इसके माध्यम से जोड़ने के बाद अगर वह पानी में भीग गया या अलॉन्ग साइड रहने के दौरान काफ़ी स्ट्रेन में रहने के बावजूद भी अगर उसको खोलना चाहें तो आसानी से खोल सकते हैं। वहीं सीट बैंड की बात करी जाए तो वह पानी में भीग जाने के बाद उसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह बैंड सीट बैंड से काफ़ी बेहतर है। दूसरा मेथड बहुत आसान है, जिसका एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना हो जल्दबाजी में ये बैंड बनाना चाहेंगे फिर भी आपसे गलती नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैंडिंग रोप के छोर को उसके स्टैंडिंग पार्ट के दाएं तरफ चाहे ऊपर रखें या नीचे, अथवा छोर को बाएं तरफ चाहे ऊपर रखें अथवा नीचे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा वर्किंग रोप को स्टैंडिंग रोप के 6 पॉइंट को अल्टरनेट रूप से दबाते उठाते यानी ऊपर से नीचे से गुजारते हुए बाहर निकालेंगे। तो चलिए डबल कैरिक बैंड के दूसरे मेथड को अब बना के दिखाते हैं। वर्किंग रोप के छोर को स्टैंडिंग रोप के ऊपर डाला, फिर वहाँ उसके नीचे से निकालते हुए फिर उसके ऊपर डाला, फिर अगले पॉइंट पे नीचे से निकाला, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर से डाला और अंतिम पॉइंट पे नीचे से बाहर निकाल दिया। ये अल्टरनेट दबाते उठाते बाहर निकाला और ये बन गया डबल कैरिक बैंड बाया सेकेंड मेथड। अब इसको खींच के टाइट कर लेंगे और दोनों रोप के छोर को उसके अपने अपने स्टैंडिंग पार्ट पर बांध देंगे ताकि वह स्लिप ना हो।